और अब वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश गहलोत से गुहार का, जहां नई सरकार बनने के बाद से ही राज्य के लोग गहलोत से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब उनकी हर समस्या दूर होगी, सरकार उनकी समस्याएं सुनेगी। आज जोधपुर के उन लोगों की समस्याएं हम आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं। चलते चलते उन समस्याओं को देखिए जो जोधपुर के लोगों की हैं, और वो उम्मीद लगाए हैं कि गहलोत सरकार उनकी इन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करेगी। सबसे पहले तो तीसरी बार जोधपुर जिले के राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब बने हैं, तो हम कर्मचारियों की ओर से और कर्मचारी महासंघ की ओर से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन भी करते हैं। और हम गहलोत साहब से ये मांग करते हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट, जो पूर्ववर्ती सरकार थी बीजेपी, उन्होंने जो इससे पहले गहलोत गवर्नमेंट थी उसमें जितने भी योजनाएं थी जो कर्मचारियों से संबंधित थी, उनको जो बंद किया गया है उन्हें पुनः चालू किया जाए। जैसे 250 रुपये मंत्रालय कर्मचारियों के लिए स्थायी फंड जो था वो गहलोत सरकार ने शुरू किया था, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने आते ही उसे बंद कर दिया गया, जिससे मंत्रालय वर्ग के अंदर बहुत ही रोष व्याप्त हो गया। हम ये चाहते हैं गहलोत साहब से कि वो 250 रुपये पुनः स्थायी फंड है वो शुरू किए जाए। हमारे को संख्या के आधार पर, हमारे को कहा कि 120 की संख्या होगी तो वहाँ शारीरिक शिक्षक रहेगा, इस प्रकार से हमारी संख्या को तोड़ने का इन्होंने प्रयास किया है और बढ़ाने का तो उल्टा बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे फिजिकल कॉलेज के अंदर जो बेरोजगार निकल रहे हैं उनको रोजगार देना तो कहीं दूर रहा, उल्टा वहाँ हमारी जो है संख्या कम करने का इन्होंने प्रयास किया है। तो गहलोत सरकार से हमारी ये विशेष उम्मीद है और आशा करते हैं कि वो निश्चित रूप से हमें हमारी आशा के अनुरूप वो कार्य करेंगे और हमारे जो नए साथी आ रहे हैं उन्हें नियुक्तियों देने का काम करेंगे और 120 वाली बाध्यता समाप्त करेंगे। यहाँ के सारी शिक्षक महिला है जो थर्ड ग्रेड से आती है और थर्ड ग्रेड से ही रिटायर हो जाते हैं सभी सारी शिक्षक कर्मचारी, तो इनकी DPC भी होनी चाहिए और जो पुरानी पेंशन है वो वापस लागू होना चाहिए। और गौशाला मैदान में जो स्विमिंग पूल है वो 25 मीटर का है, तो एक इंटरनेशनल का स्विमिंग पूल बनना चाहिए जिससे खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा, और छात्रावास बनने से उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा और अच्छे और ज़्यादा मेहनत करेगी लड़कियाँ वहाँ पर रहेगी, रह के वहाँ पर जब प्रशिक्षण लेते हैं तो एक प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है और एक मेडल के लिए वो तैयार होता है, इंटरनेशनल के लिए वो तैयार होता है। पूर्व में गहलोत सरकार के द्वारा 35 रुपये 70 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये जो राशि की गई थी, पूरे 5 साल में इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और वो कि वो 100 रुपये आज भी कायम है, तो मैं गहलोत सरकार से अपेक्षा करूंगी कि हमारे खिलाड़ियों को पूरी डाइट मिले और वो खेल के प्रति अपनी रुचि जागृत करे, उसको किट के रूप में कुछ सहायता मिले। ये सारी सहायताएं अगर गहलोत सरकार देती है तो राजस्थान का जो धरती से जुड़ा हुआ खिलाड़ी है वो आगे तक राजस्थान का नाम रोशन करेगा। मैं राजेंद्र शर्मा, शारीरिक शिक्षक।